अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम आपको एमयू और जामिया के लिए दो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे जो कि कल आपके एंट्रेंस में आ सकते हैं। कल 11th साइंस का एंट्रेंस का पेपर है, तो आपका जो है कल के क्वेश्चंस में दो क्वेश्चंस आ सकते हैं, यानी आपको दो मार्क्स मिल सकते हैं। और प्लस आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस बताएंगे जो कि आपको ज़रूर सुननी चाहिए ताकि आपको उसमें जामिया में एंट्रेंस में प्रॉब्लम ना हो। तो अगर आप जो है ये क्वेश्चन नहीं सुनना चाहते जेके के लिए, तो आप जो है लास्ट पार्ट देख सकते हैं इस वीडियो का, उसमें जनरल इंस्ट्रक्शन जो है वो आप ज़रूर सुनिएगा, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। पहले वो दो क्वेश्चन कौन से हैं देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो आपका ये आ सकता है रेवोल्यूशन से लेकर के, जिसमें कि आपको ब्लू रेवोल्यूशन, ब्राउन रेवोल्यूशन या फिर गोल्डन रेवोल्यूशन, इन सब के बारे में पूछ सकता है कि ये किस चीज़ से रिलेट करती है। तो इस लास्ट थ्री ईयर से 11th साइंस के पेपर में इससे पूछा जा रहा है, एक बार ब्लू रेवोल्यूशन से पूछा था, एक बार गोल्डन रेवोल्यूशन से, और एक बार शायद ग्रीन रेवोल्यूशन से। तो आपको जो है जितनी भी रेवोल्यूशन है ये आपको पढ़ लेनी है। अगर आपको इसकी पीडीएफ ना मिल पाए तो आप जो है गूगल से भी इसको देख सकते हैं, वरना तो आपको इसकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है पूरी चार्ट आ जाएगी, जिसमें सारी जो है यहाँ पर रेवोल्यूशन बताई गई है, कौन सी रेवोल्यूशन किस चीज़ से रिलेटेड है, यहाँ पर पिंक, रेड, ग्रीन। तो इससे अगर इससे क्वेश्चन आता है तो आपको एक नंबर इससे ज़रूर मिल जाएगा, क्योंकि लास्ट थ्री ईयर से इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कंटिन्यूसली, तो हो सकता है इस ईयर भी इससे क्वेश्चन पूछा जाए। उसके बाद एक क्वेश्चन और आ सकता है जो कि आपका करंट अफेयर्स सकता है, कि इसमें जो है वाइस चांसलर जो है वीसी आपकी जेएमआई की, प्रोफेसर नजमा अख्तर, उनको जो है इस साल ही पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि उनको कब मिला है, तो उसका डेट आप याद कर लीजिएगा, मार्च 21 2022 में इनको मिला है, और ऊपर से किस सब्जेक्ट से मिला है, तो किस फील्ड में, तो उनको मिला है लिटरेचर एंड एजुकेशन में उनको मिला है। तो इससे अगर क्वेश्चन आया तो इससे भी आपको एक नंबर मिल सकता है। तो ये पूरे जो है आपके दो नंबर आपको कल मिल सकते हैं, अगर आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। ये पूरा आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पे, आप जो है लिंक से ज्वाइन हो जाइएगा। अब कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन जो कि आपको जामिया में ज़रूर फॉलो करना चाहिए। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन ये आपके लिए कि आपको जो है सेंटर एक दिन पहले पहुंच जाना है, जैसे कि कल 11th साइंस का पेपर है तो उनको आज ही अपना सेंटर देखिएगा, तो उससे आपको कल एक टेंशन नहीं रहेगी सुबह में कि आपको सेंटर देखना है। पहले से आप सेंटर आप देख रहेंगे तो आपको जो है बस एग्जैक्ट जो है वहाँ पर पहुँचना होगा। अगर आप नहीं देखते हैं तो कल भी आपको पता है कि आप पहुँच जाएंगे, तब भी इससे कोई बड़ा इशू नहीं है, आप कल भी जा सकते हैं। प्लस जो है आप एंट्रेंस से कम एक घंटा पहले पहुंच जाएं, 10 बजे से आपका एंट्रेंस है तो 9 बजे पहुंच जाइएगा, क्योंकि 9:30 बजे से वो आपको जो है एग्ज़ाम हॉल के अंदर लेना शुरू कर देंगे, और तो इस वजह से आप पहले ही पहुंच जाइएगा, तो उसमें आपको थोड़ा और अच्छा रहेगा थोड़ा। प्लस में आपका कोई भी कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, चाहे वो सिंपल कैलकुलेटर हो या फिर कोई सा भी कैलकुलेटर, आपको इसमें अलाउड नहीं है एग्जामिनेशन में, तो कोई भी कैलकुलेटर आप नहीं ले जाइएगा। प्लस आप इसमें जो है आप मास्क एक ले जाइएगा, क्योंकि हो सकता है आपको प्रॉब्लम आए बिना मास्क के, तो आप मास्क ज़रूर ले जाइएगा एक अपने लिए। उसके बाद आप वॉच नहीं ले जा सकते, लेकिन आप सिंपल वॉच रख लीजिएगा, हो सकता है आपको अलाउ कर दें सिंपल वॉच, तो आप उसे टाइम देख सकते हैं, तो आपको थोड़ा टाइम का अंदाज़ा हो जाएगा। और वरना अगर आप वॉच नहीं ले आते हैं, हो सकता है क्लासरूम में आपके जहाँ पे एग्ज़ाम हॉल हो उसमें आपको वॉच मिले, तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सिंपल वॉच अलाउ करते हैं तो आप जो है ले जा सकते हैं। कोई ड्रेस कोड नहीं है इसका, तो आप कुछ भी पहन के जो आपको सही लगे तो वो आप पहन के जा सकते हैं, इसमें कोई भी ऐसा ड्रेस कोड नहीं है, आपको किसी भी चीज़ पर पाबंदी नहीं है। उसके बाद OMR जो है सही से फिल करिएगा। अगर आपका कोई ऑप्शन जो है गलत हो जाता है, जैसे कि क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर ए है लेकिन आपने बी लगा दिया, तो उसको वैसे ही छोड़ दिएगा, अब उसको काट करके ए मत करिएगा, क्योंकि वो वैसे भी आपका काउंट नहीं होगा। तो अगर आपने बी लगा दिया एक जगह, तो उसको बी छोड़ दिएगा, और जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं, जितनी भी डिटेल्स हैं, उनको अच्छे से फिल करिएगा। एक बार यूट्यूब पर ज़रूर और देख लीजिएगा कि OMR को कैसे फिल करना है, तो इससे आपको और अच्छे से नॉलेज हो जाएगी। उसके बाद अपना जो है बॉल पेन का यूज़ करिएगा, जेल पेन आपको यूज़ नहीं करना है। अगर आप जेल पेन यूज़ करेंगे तो आपका OMR जो है वो ख़राब हो जाएगा, बॉल पेन ही हमेशा यूज़ करिएगा। उसके बाद आपको कोई भी रफ़ पेज नहीं ले जाना है। अगर आप रफ़ पेज ले जाएंगे तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। आप सोचेंगे मैथ के जो है सॉल्यूशन कहाँ करेंगे, तो आप जो है मैथ के सॉल्यूशन पीछे पेज दिया रहता है, आपका जो बुकलेट होगी क्वेश्चन बुकलेट उसके पीछे रफ़ पेज दिया जाता है, वहाँ पर आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आपको अदर कोई भी जो है पेज लेके नहीं जाना है। प्लस एक चीज़ और, आप एक मास्क अपने साथ एक्स्ट्रा रखिएगा और एक बॉल पेन अपने साथ एक्स्ट्रा रखिएगा। हो सकता है वहाँ पे कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो कि अपना मास्क ना लाया हो या फिर पेन ना लाया हो, तो उसको आप जो है ज़रूर हेल्प करिएगा, आपकी हेल्प से हो सकता है किसी का फ़ायदा हो जाए। तो इसलिए एक पेन और एक मास्क ज़रूर अपने साथ एक एक्स्ट्रा रखिएगा, ज़रूरी है कोई हेल्प के लिए मिले, लेकिन बाई चांस अगर कोई भूल जाए तो उसको आप जो है ज़रूर उसकी हेल्प करिएगा। तो लास्ट में बस आपको ऑल द बेस्ट, जितना भी आपने पढ़ा है अल्लाह ताला उसको वेस्ट ना करे, आपको ज़रूर से कामयाबी मिले। और एक आयत कुरान की ज़रूर याद रखिएगा, कभी भी अपने होप को अल्लाह से मत खोइए और कभी भी परेशान मत होइए। कुरान कहता है, ये अल्लाह ताला कहता है। तो कल का एंट्रेंस देने जाइएगा तो बिल्कुल बेफिक्र होकर जाइएगा, ये आपके लाइफ का टेस्ट नहीं है, खाली एक एंट्रेंस टेस्ट है। अगर आपका इसमें सिलेक्शन नहीं होता है तब भी आपको इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, तो बिना फिक्र के बिल्कुल बिना टेंशन के टेस्ट देने जाइएगा, इंशाल्लाह आपका जरूर सिलेक्शन होगा। तो अल्लाह हाफिज़।